गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आप सबकी दिवाली और आप सबके फेस्टिवल्स कैसे गए कमेंट करके नीचे बताना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किस किस लोगों का कितना कितना वेट गेन हुआ है ड्यूरिंग दिवाली एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अब हम बात करते हैं विंटर्स के वेट लॉस डाइट की। बहुत सारे कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू विंटर्स वेट लॉस डाइट। पीसीओडी वालों के अलग, थायराइड वालों के अलग, एंड जर्नल लोग हैं उनके अलग, जिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनको अलग। बट अब मैं धीरे धीरे ये जो डाइट प्लान्स है अपलोड करूँगी मेरे चैनल पे। एंड सबसे पहले मैं चाहती हूँ, मैं काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जो कि हम उस डाइट में ऐड करेंगे। हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो वेट लॉस का जर्नी है, वो थोड़ा सा ना एक्साइटिंग रहना चाहिए और थोड़ा सा इस तरीके से हमें उसको मैनेज करना है ताकि हम सेम रेसिपीज से बोर ना हो। एंड साथ साथ वो हमारी बॉडी में इक्वल वैल्यू भी ऐड करता चला जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाइट, वेट लॉस का जो डाइट है, आपका जो बैलेंस डाइट है, वो इस तरीके का होना चाहिए कि आगे चलकर वो आपका एक लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाए, ताकि जो वेट लॉस किया हुआ है वो हमारा वेट बैलेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वीक मैं चैनल पे अपलोड करूँगी विंटर्स का वेट लॉस डाइट। बट उससे पहले आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 3 ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना, कोई भी बना सकता है। एंड ये बहुत ही हेल्दी हैं। अगर आप लोग वेट मैनेजमेंट पे भी हो एंड वेट बैलेंस पे भी हो, तब भी आप ये रेसिपीज़ फॉलो कर सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो रेसिपीज़ हैं ये बहुत ही सिंपल है, वेरी क्विक, 5 से 10 मिनट के अंदर ये रेसिपीज़ बन जाएंगी। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही यम्मी है। विंटर्स के सुबह सुबह की चाय और उसके साथ ये रेसिपीज़ का माल, टू बी ऑनेस्ट का माल। और ये रेसिपीज़ बनानी कैसे हैं, सबसे पहले हम चलते हैं किचन में। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं मूंग और किनवा चीला। ये रही मेरी येलो मूंग दाल, इसको मैंने सोक करके रखा है 2 घंटे जितना। एक करछी ये, एक और करछी ये, 2 करछी हमने ये मूंगे की दाल ली है। और ये रहा किनुआ, किनुआ भी मैंने सोक करके रखा था 2 घंटे जितना। एक करछी किनुआ, ये रहा। ओके, नेक्स्ट अब इसके अंदर मैंने डालना है प्याज। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है अदरक, डाल दी। और अब इन सबको बिना पानी डाले हमें ब्लेंड करना है, क्योंकि हमें बहुत ही थिक सा टेक्सचर चाहिए। ओके, सो इस मिक्सचर के अंदर अब हम डाल देंगे थोड़े से स्पाइसेस। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, नेक्स्ट पिंच ऑफ हिंग पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर, नेक्स्ट इज मेरी फेवरेट कस्तूरी मेथी, नेक्स्ट इज पिंच ऑफ अजवाइन। और इन सबको हम खूब अच्छे से अभी मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही थिक है, इसके अंदर मैं हल्का सा 1 करछी जितना पानी ऐड कर दूंगी। नाउ इट्स गुड, परफेक्ट। मेरा मेरा तवा, इसको मैं डाल दूंगी मेरा बैटर। क्विक टिप है, इसको हम ढक देंगे और तसल्ली से इसको पकने देंगे, अदरवाइज ये चिपकेगा। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट स्टेप इज इसके अंदर यहाँ पे मैं लगा दूंगी थोड़ी सी मेरी पनीर। ये मेरा होममेड पनीर है, आप इसमें टोफू भी यूज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे होममेड पनीर लगाया है विदाउट सॉल्ट, क्योंकि चीले में हमने सॉल्ट डाल दिया था। इसको हम अच्छे से पका देंगे दोनों तरफ से। एंड ब्रेकफास्ट जो है हमारा बढ़िया सा बिल्कुल रेडी है। ओके जी, सो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट एंड ये बिल्कुल रेडी है। इसको आप ग्रीन मिंट चटनी के साथ ले सकते हो एंड एक बारी में हम 2 चिल्ले ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं वेजी स्टिकी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये रही मेरे पास कद्दूकस की हुई गाजर, इसमें डल गई। नेक्स्ट मेरे पास है शिमला मिर्ची, भी डल गई इसमें। नेक्स्ट मेरे पास है पनीर, ये मैंने डाल दिया इसमें पनीर।
और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मेरे पास है यहाँ पर पिसा हुआ ओट्स। सो मैंने एक मुट्ठी ओट्स को ग्राइंड कर लिया था और पीस लिया, और ये बन गया हमारे पास पूरा इसका बैटर तैयार। आप अपने हिसाब से ओट्स ऐड कर सकते हैं ताकि जो टिक्कीज़ हैं वो बाइंड हो जाएं, बन जाएं। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से मसाले। ओके जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सॉल्ट। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ हिंग पाउडर। नेक्स्ट सूखा धनिया पाउडर। नेक्स्ट मुझे इसमें डालनी है मेरी फेवरेट कस्तूरी मेथी। खूब अच्छे से इन सबको हम मिक्स कर देंगे। परफेक्ट। अब हम बनाएंगे इससे टिक्कीज। सो सबसे पहले ये ले लिया है मैंने हमारा डो। ये रहा मेरा ग्लिटर। ओके, एक बारी में हम ले सकते हैं 4 टिक्की। और जो टिक्कीज हैं ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं पनीर और बेसन टोस्ट। ये रहा बेसन। अगर आप बोरिंग सैंडविचेस खा खा के ओवर हो गए हो तब ये रेसिपी बड़ी बढ़िया है। बेसन, बेसन के अंदर मैंने डाल दिया है नमक, अजवाइन, सूखा धनिया पाउडर, हिंग पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर। इन सबको खूब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाएंगे हम बेसन और पानी का। ये बन गया हमारा पेस्ट और ये काफ़ी थिक है। सो अब इस बेसन के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी गाजर, थोड़े से प्याज और सबसे इम्पॉर्टेंट पनीर। घर का पनीर है इसलिए मैश हुआ पड़ा अच्छा खासा। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे इन सबको हम। बढ़िया। और आ जाओ अब बनाते हैं टोस्ट। ये रहा मेरे पास ब्रेड और ये रहा मेरा ग्रिलर। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे मेरा बेसन का सारा पेस्ट बहुत अच्छे से। एंड नाउ let's flip this. इसको हम खूब अच्छे से पकाएंगे, खूब खूब अच्छे से। सर्दियों में पकौड़ों की क्रेविंग खत्म। वेलकम बैक जी। सिंपल सी रेसिपीज हैं, आप इसकी तैयारी रात को भी करके फ्रिज में लगा के रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पनीर और बेसन टोस्ट है, सो बेसन और पनीर का मिक्सचर बना के आप रात को फ्रिज में लगा के रख सकते हैं। मूंगे की दाल और किनुआ का पेस्ट बना के आप रात को फ्रिज में रख सकते हैं। एंड कटलेट की जो भी पूरा हमारा डो है उसको बना के भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। सुबह उठा बस हमें तवा गरम करना और हमने अपनी कलाकारी चालू करनी है। और जो जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, मेक श्योर आने वाले टाइम में आपको डायबिटीज़ होने का पूरा पूरा खतरा है। पीसीओडी वाले लोग अगर ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं आपका पीसीओडी और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
सो ये थी मेरी सिंपल थीम ब्रेकफास्ट की रेसिपी स्पेशली फॉर विंटर्स एंड या दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी आपके लिए विंटर्स का वेट लॉस डाइट, मॉर्निंग ड्रिंक से लेके नाइट ड्रिंक तक की एक स्पेसिफिक डाइट फॉर विंटर्स, ताकि ये जो मौसम चेंज हो रहा है, ये जो वेदर चेंज हो रहा है, उसमें भी हमको बचा के रख सकें. मैं उसमें बहुत सारी ऐसी कैंडीज और बहुत सारी ऐसी कोल्ड कफ एंड कंजेशन की रेसिपीज ऐड करूँगी, जिसकी हेल्प से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे एंड प्लस आपको सर्दियों में जो खांसी जुकाम बुखार जैसी एक बेसिक बीमारियाँ होती है उससे आप बचे रहो. सो यार दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइस. सो टेक केयर जी, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब सारा रेस्ट कीजिए, खूब सारा अच्छे गर्म पानी से शावर लीजिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माइंड को रिलैक्स रखिए. और जिन जिन लोगों का ब्रेकफास्ट ना करने की आदत है वो लोग बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करके ही अपना काम चालू कीजिए. सो टेक केयर जी, बाय बाय.